तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अडानी ग्रुप ने गुजरात की एक बंजर भूमि को दुनिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में कन्वर्ट किया है। तो इस रिमार्केबल अचीवमेंट के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ रीजन में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जो कि दुनिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो ये कुछ पॉइंट्स की मदद से जानते हैं। नंबर वन, अनलाइकली गेटवे टू इनोवेशन। तो जो लैंड को चूज किया गया था उस लैंड पर ना ही वेजिटेशन होता है, ना ही वो ह्यूमन हैबिटेशन के लायक है, और वहाँ पर भरपूर मात्रा में सोलर एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग विंड करंट के साथ एक आइडियल लोकेशन बन जाती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। अडानी ग्रुप्स विजन एंड इन्वेस्टमेंट। तो गौतम अडानी की ओनरशिप में अडानी ग्रुप ने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है विद इन्वेस्टिंग अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1.5 लाख करोड़ रुपीज। और काफी चैलेंजेस का सामना करने के बाद प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के लिए अडानी ग्रुप ने कई कॉलोनीज बनाई है वर्कर्स के लिए, डिसैनिलेशन प्लांट्स बनाए हैं और बाकी एसेंशियल यूटिलिटीज प्रोवाइड की हैं ताकि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सके। पॉइंट नंबर 3, मैसिव रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो कावड़ा पार्क का एम है कि वो 30 गीगावाट ऑफ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी विद प्लान टू एड 4 गीगावाट इन करंट फिजिकल ईयर एंड 5 गीगावाट एनुअली देयर आफ्टर अचीव करना चाहती है। और सोलर एंड विंड एनर्जी रिसोर्सेज को लेवरेज करने के बाद ये पार्क पोटेंशियली पावर कर सकता है पूरे देश को। काफी ज्यादा एडवांस स्टेप है रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन के लिए। पॉइंट नंबर 4, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड चैलेंजेस। तो इस प्रोजेक्ट को कई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग वाटरलेस रोबोटिक मॉड्यूल, क्लीनिंग सिस्टम फॉर सोलर पैनल्स जिससे कि प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज की जा सके, और भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है जैसे फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म क्योंकि वो जगह पूरी तरीके से बंजर थी, और इसी को मेंटेन करने के लिए कई सारे स्टेप उठाए गए हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस को और भी बेटर किया जा सके। पॉइंट नंबर 5, गवर्नमेंट कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अडानी ग्रुप ने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट तैयार किया है। आफ्टर एक्सटेंसिव स्टडीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एफर्ट्स ये प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, और इसी कम्प्लीशन के बाद ये पूरे देश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन जाने तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर बनाने वाला है। तो ये था आज का वीडियो, कैसे अडानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क तैयार किया है। इससे जुड़ा कोई भी डेवलपमेंट होता है तो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।